हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नाम नबील है। एप्पल ने रिलीज किया iOS 16.4.1 का ए वर्जन, यानी कि सिक्योरिटी रिस्पांस वर्जन, जो कि एक पब्लिक स्टेबल वर्जन है। यानी कि आप में से सभी के आईफोन के ऊपर आपको ये वाला अपडेट देखने मिलेगा, नहीं देखने मिलेगा तो कैसे आप ये वाला अपडेट कर सकते हो, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज न्यू इन दिस अपडेट, सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे अपडेट के बारे में और डिटेल्स देख लेते हैं इसके। तो यहाँ पे जो अपडेट के पहले का जो iOS वर्जन था मेरे आईफोन के ऊपर, वो था iOS 16.4.1 और यहाँ पे जो अवेलेबल फ्री स्पेस था वो था 762.62 GB का। अपडेट के पहले का बिल्ड नंबर था 20E252 और यही अपडेट आप में से मैक्सिमम लोग चला रहे होंगे। और अपडेट के पहले का जो मोडेम फर्मवेयर था वो था 1.67.04। अपडेट के बाद यहाँ पे जो iOS वर्जन है वो है iOS 16.4.1 और ब्रैकेट में लिखा है A, और यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस जो है 500-600 MB से बढ़ गया है। जनरली हमने देखा है मेरे फोन के अंदर पिछले कुछ अपडेट से कि अपडेट करने के बाद इमीडिएटली जो अवेलेबल फ्री स्पेस है वो काफी हद तक घट जाता है, बाद में आ जाता है, कवर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस बड़ा है तो एक अच्छी बात है। और यहाँ पे जब हम इसके बिल्ड नंबर के डिटेल्स में जाते हैं तो 20E252 ही है इसका बिल्ड नंबर, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्पांस करके यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इसका एक अलग बिल्ड नंबर यहाँ पे आपको देखने मिलेगा जिसके एंड में ए है। और अपडेट के बाद का कोई भी मोडेम फर्मवेयर में चेंज यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि सिक्योरिटी रिस्पांस अपडेट है, मेजर अपडेट जो होता है जनरली उसी में आपको ये चेंज देखने मिलता है। अब हाउ टू इंस्टॉल दिस अपडेट, ये अपडेट इंस्टॉल आप कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे सेटिंग में जाना है, जनरल और यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट। और क्योंकि मेजर अपडेट नहीं है तो सबसे पहले आपको iOS 16.4.1 पे अपडेट होना पड़ेगा, अब है तभी आपको अपडेट देखने मिलेगा, वरना देखने नहीं मिलेगा। तो हो सकता है iOS 16.3 पे चल रहे हो, 16.4 पे चल रहे हो, तो आप सोचेंगे ये अपडेट क्यों नहीं आया मुझे, जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूं इसलिए नहीं आया क्योंकि ये अपडेट जो है आपको 16.4.1 अपडेट करने के बाद ही देखने मिलेगा। आप चाहे तो ऑटोमेटिक अपडेट से इसका इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली ऑन रख सकते हो, क्योंकि रैपिड सिक्योरिटी अपडेट है तो ये रैपिडली इंस्टॉल भी होगा। वो कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। यहां पे जो अपडेट का साइज है इट इज ओनली 85.3 MB, इसलिए एप्पल ने छोटा रखा है क्योंकि सिक्योरिटी फिक्सेस है और सब यूजर्स के लिए रिकमेंडेड है। साथ ही आप इसको मोबाइल डेटा पे भी इजीली डाउन इंस्टॉल कर सकते हो और यहां पे आपको चार्जर को भी कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, देख सकते हैं सिर्फ 25% यहाँ पे बैटरी है। और आपके सामने मैं इसको इंस्टॉल करके बताता हूँ, बस डाउनलोड इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए और अपना पासवर्ड एंटर कीजिए और यहाँ पे आपको पूछेगा मोबाइल डेटा यूज करना है नहीं करना है, मुझे भी नहीं करना है, आप चाहे तो कर सकते हैं डोंट यूज मोबाइल डेटा पे क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितना जल्दी जो है ये अपडेट यहाँ पे एप्पल इंस्टॉल कर पाएगा हमारे आईफोन के ऊपर। तो 454 हुआ है अभी और देखते हैं, प्रिपेयरिंग सिक्योरिटी रिस्पॉन्स करके लिखा आ रहा है और ये बहुत ही जल्दी जो है विद इन अ मिनट यहाँ पे डाउनलोड इंस्टॉल हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं 456 हुआ है और यहाँ पे ये अपडेट का इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है बेसिक वाला प्रिपेयरिंग वाला वो हो चुका है पूरा, मतलब 2 मिनट का टाइम लगा, हार्डली 1.5 से 2 मिनट, और इसके बाद ये जो है यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया कितनी देर लगती है आपके सामने आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको आप रिमूव कैसे कर सकते हो, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो यहीं से। आपको अगर लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ है, परफॉर्मेंस सही नहीं दे रहा, हीटिंग जो है ज्यादा हो रही है, कुछ भी हो सकता है, तो आप सिर्फ सेटिंग जनरल में चले जाइए अपडेट इंस्टॉल करने के बाद और यहाँ पे आपको जो है अबाउट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे iOS वर्जन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप रिमूव सिक्योरिटी रिस्पॉन्स पे क्लिक करके इसको इंस्टेंटली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं अगर आपको अपडेट ठीक नहीं रहा। तो ये भी सही चीज है। और देखिए 456 को ही हमने अपडेट इंस्टॉल करके रखा था और 456 को ही जो है अपडेट यहाँ पे इंस्टॉल हमारी हो चुकी है, तो ये काफी सही चीज है। और अब बात करते हैं गाइस इस अपडेट में क्या कुछ नया है। तो ये क्योंकि iOS 16.4.1 का ही एक सिक्योरिटी रिस्पांस अपडेट है तो यहाँ पे आपको कुछ नया देखने नहीं मिलेगा। और अगर हम इनके वेबसाइट पे भी चले जाते हैं सिक्योरिटी अपडेट्स के एप्पल के, तो यहाँ पे साफ तो पे लिखा है कि प्रोटेक्शन कस्टमर्स का जो होता है उसके लिए एप्पल कभी डिस्क्लोज, डिस्कस और कंफर्म नहीं करता सिक्योरिटी इश्यूज जब तक कि कोई इन्वेस्टिगेशन वहां पे नहीं की जाती। और ये पैचेस और रिलीजेस जो है वो जनरली अवेलेबल रहते हैं और डॉक्यूमेंट लिस्ट जो है वो भी रिसेंट रिलीजेस की मिल जाएगी आपको, लेकिन यहाँ पे इसके बारे में ज्यादा डिटेल में एप्पल नहीं बताता क्योंकि हैकर्स को भी ये चीज पता चल जाएगी और फिर जो ये वल्नरेबिलिटी यहाँ पे फिक्स की एप्पल ने सिक्योरिटी अपडेट के थ्रू, ये चीज जो है फिर एक्सपोज हो जाएगी और फिर से वो लोग जो है इसके ऊपर अटैक करेंगे। इसलिए कभी भी आपको ये चीजें जो है यहाँ पे लिस्टेड नहीं देखने मिलेगी। और क्योंकि ये अपडेट मैंने जैसे बोला कि सिक्योरिटी रिस्पॉन्स अपडेट है तो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी फिक्सेस ही आपको इस अपडेट में देखने मिलेंगे, कोई भी नया फीचर देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा और ये एक अच्छी चीज है। बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं कि क्यों पुश किया अपडेट, अरे भाई आपका फोन इतना महंगा आपने लिया, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी तो कंपनी ली हुई है, तो उसको यहाँ पे पैच करना बहुत जरूरी है, इसलिए अपडेट पुश किए जाते हैं। और ये अपडेट जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ 85.2 MB का ही अपडेट है। अब इस अपडेट के हीटिंग इशू के बारे में बात करें, देखो ये अपडेट तो अभी आया लेकिन 16.4.1 जो है ये हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं और मेरा आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है ये 16.4.1 पे बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है क्योंकि मैं इसका ख्याल रख रहा हूँ, बाहर बहुत ज्यादा हीट है। लेकिन मैं अपने जो समर टिप्स की वीडियो बना चुका हूँ आपके लिए, उसको आप चेकआउट कर लेना, उसको फॉलो करता हूँ, वो सारे टिप्स फॉलो करता हूँ, जिसकी वजह यहाँ पे मुझे कोई भी इशू जो है इसमें ओवर हीटिंग का नहीं आ रहा है। नॉर्मल हीट तो होता ही है। अब यहाँ पे टेम्परेचर भी अगर आप देखेंगे तो इट इज अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस अभी राइट नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ शाम के 4:30 बजे, लेकिन ये 40 के करीब भी चला जाता है। तो इतनी गर्मी के बावजूद हीट नहीं हो रहा है तो ये एक अच्छी चीज है, ओवरहीटिंग नहीं होनी चाहिए आपके फोन की। और यहाँ पे गर्मियों के लिए मैं जो है ये केस इस्तेमाल कर रहा हूँ जो बहुत ज्यादा ड्रॉप प्रोटेक्शन तो नहीं देता शायद जितना राइनो शील्ड के केस देते हैं, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे फेवरेट है राइनो शील्ड। लेकिन यहाँ पे ये जो टोटेम का केस है ग्राफीन वाला, इसके अंदर आपको हीट डिसिपेशन वाला सिस्टम मिल जाता है, तो ये जब मैं फोन पे लगाता हूँ तो जब कभी इसमें गर्मी होती है तो ये केस उसको फटाफट से बाहर निकालने में मदद करता है, परफोरेटेड बैक वाला केस है और उसमें मटेरियल भी ऐसा
ऐसा इस्तेमाल किया गया है जिससे हीट डिसिपेशन हो जाए। तो अगर आपको ये केस लेना है, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन अगर आपको ये लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और एक कूपन कोड भी है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं और डिस्काउंट भी आपको इस पे मिल जाएगा। अब परफॉर्मेंस की बात करते गाइस, तो यहाँ पे जनरल जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा है। मैं ये अपडेट इंस्टॉल करने के बाद कुछ घंटे इसको यूज कर चुका हूँ फोन को, और यहाँ पे मुझे कोई भी इसमें प्रॉब्लम जो है देखने को नहीं मिल रही। रही बात बेंचमार्क की तो वो देख लेते हैं, तो उससे हमको पता भी चल जाएगा कि पहले के मुकाबले कुछ परफॉर्मेंस में ड्रॉप तो नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हिस्ट्री में लेता हूँ, सीपीयू स्कोर देख लेते हैं। आज 2nd of May और इसके पहले वाला जो अपडेट आया था वो आया था 11th April को, तो उस टाइम पे स्कोर था 1868 सिंगल कोर का और 5406 मल्टी कोर का, और आज का स्कोर है 1887 और 5368। तो 19-20 का अगेन फर्क है यहाँ पे, और ज्यादा कोई आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, तो ठीक बात है। और यहाँ पे कंप्यूटेशनल बेंचमार्क का स्कोर देख लेते हैं, तो पिछला स्कोर था 15625 और आज का स्कोर है 15666। तो अगेन 19-20 का फर्क है, तो कोई भी यहाँ पे परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं आएगा, बस सिक्योरिटी की जो अपडेट है वो यहाँ पे एप्पल ने बेसिकली पुश किया है। अब स्टोरेज बग एक बार है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग्स में चलते हैं और यहाँ पे आईफोन स्टोरेज में चले जाते हैं, देखते हैं इसको कैलकुलेट होने देते हैं। तो ये कैलकुलेट हो चुका है और सिस्टम डेटा जो है यहाँ पे ना के बराबर है। तो ये चीज एप्पल ने रीसेंट टाइम्स में i16.4 के बाद खास तौर पे अच्छे से फिक्स किया है। बाकी अपना सिस्टम डेटा हमेशा बफरिंग पे ही रहता है और यहाँ पे लेस देन 1 byte दिखाता है, लेकिन एक्चुअली 300-400 MB के आसपास होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहले 20-20 GB होता था, तो यहाँ पे ये चीज एप्पल ने बहुत सही की है। जिनके पास कम स्टोरेज वाला आईफोन है, जैसे मेरा तो 1 TB वाला, लेकिन हो सकता है आपका 64 GB 128 GB, तो यहाँ पे ये सारे इश्यूज आपको नहीं आएंगे और स्टोरेज बग अब ना के बराबर ही रह गया है। बैटरी लाइफ और बैटरी हेल्थ के बारे में बात कर लेते, तो यहाँ पे इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बैटरी लाइफ इज गुड, ओवरहीटिंग नहीं है तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसका एक वीडियो बाद में जो है फॉलो अप वाला टाइप का बना के आपको बताने की कोशिश करूंगा, वैसे जरूरत नहीं है इस वाले अपडेट में भी। अगर आप डिमांड करेंगे, आप बोलेंगे बनाओ, तो बना दूंगा। बाकी बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 100% है, और अपडेट की वजह से कभी भी ये चीज ड्रॉप नहीं होती। अगर हो चुकी है आपकी बैटरी ड्रॉप तो हो जाएगी, अपडेट इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बाकी लास्ट 10 days का जो मेरा चार्जिंग है और जो मेरा एवरेज स्क्रीन एक्टिव टाइम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो होता है, मतलब ये ऐसा नहीं कि 100% में आपको 4 hours मिल रहा है, 100% में चार्ज करता ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लास्ट चार्ज देख सकते हैं आप 78% पे था यहाँ पे। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपको बैटरी हेल्थ जो है मैक्सिमम पे मेंटेन करना है, अच्छे से मेंटेन करना है, और 78 से फिर 20% 30% पे आ जाऊं तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पे उसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ। तो इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। आप समर टिप्स वाली वीडियो जरूर देख के फॉलो करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट वगैरह में दे दूंगा मैं आपको। अब iOS सिक्योरिटी रिस्पॉन्स 16.4.1a के बाद शायद आपको डायरेक्टली 16.5 वाला अपडेट देखने मिले, जिसमें आपको कुछ और नए फीचर्स जो है देखने मिलने वाले, वही मेजर अपडेट रहेगा नेक्स्ट। और उसके बाद जून में जो है WWDC होने वाला है, जहां पे बेटा वर्जन ऑफ iOS 17 पुश किया जाएगा, जिस पे डेफिनेटली मैं वीडियो जो है बनाने की आपके लिए कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।